हमेशा मुझे ही इंतजार करवाते हैं। आने दो आज उन्हें, एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। साहबजादे अब आ रहे हैं, पूरे एक घंटे बाद। सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। मुझे नहीं करनी बात, पूरा एक घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। अरे बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के यहाँ पहुँचा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कोई मेरा पीछा कर रहा है। हरीश मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? मैंने सोच लिया है कि कल मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। हरीश तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मेरा क्या होगा? तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ मैं क्या करूँ हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मैं और डर डर कर जी नहीं सकता, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। मगर अभी कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। सुनो हरीश, मेरी बात तो सुनो। हरीश, हरीश, ये क्या पहली बार चोरी कर रहे हैं? मैंने एक एक चीज मेरे हाथों से रखी है। चल एरिया काफी नया है, वहाँ अच्छा माल मिलेगा। अरे आज का दिन तो शुभ है यार, बिना ताला तोड़े काफी माल मिला। चलो 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 उठा। लाश, लाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से ड्रग्स बेचने वाले नए गैंग का पता चल गया। यार तो भरवाएगा आजा, शेर के मुंह में हाथ डालने को बोल रहा हूँ। नहीं, शेर के मुंह में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके सर, ओके सर। जानता हूँ तुम सर, ये तो वही चोर है सुरेश। जेब कतरा सुरेश है ना? हाँ सर। यहाँ भी वही काम करने आए हो? ये सुधरेगा नहीं, कुत्ते की दुम की तरह से नली में रखो, नली निकालने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी। यहाँ क्या कर रहे हो? सर कल हमने एक लाश देखी सर। किसकी लाश थी वो? पता नहीं साहब कौन था वो, लेकिन उसकी छाती में से खून निकल रहा था। उस लाश के छाती में से खून निकल रहा था? हाँ। क्या तुमने लाश के आसपास किसी को देखा? नहीं सर, हम तो उस दुकान में चोरी करने गए थे, वहीं पे हमने ये लाश देखी। फ्रेडी, औरंगाबाद के पुलिस ऑफिसर को बुला लो। ये सर। और तुम चलो हमारे साथ, दिखाओ वो जगह जहां पर लाश देखी थी तुमने। कहां पे लाश है? यहां पे। या साळुंखे, अगर ये आदमी यहां पर खड़े रहता तो उसे यहाँ पर कहीं से भी कोई भी गोली चला सकता था, रस्ते पर से भी, यहाँ तक के सामने वाले उस बिल्डिंग से भी। नहीं बॉस, इसे दूर से नहीं नजदीक से गोली मारी। क्या, नजदीक से? हाँ। वो कैसे? इसके कपड़ों पे और इसके घाव के आसपास मुझे गन पाउडर मिला। कितनी नजदीक से? लगभग 3-4 फीट की दूरी से। 3-4 फीट की दूरी से? तो मुझे तो लगता है कि ये खूनी इरादा करके आया कि गोली मारेगा, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उसे। एक काम करो सर, जाकर दुकान वालों से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। सर 3-4 फीट की दूरी से। इस आदमी का नाम हरीश है सर, ये देखिए उसका आई कार्ड।
हरीश किसी साड़ी सेंटर में काम करता था, पैठणी साड़ी सेंटर। किसने मारा होगा इसे? सा, हाँ, ये दुकान वाला कह रहा है कि इसने किसी लड़की को इस लड़के के साथ देखा था। सर, तुमने उसे पहले कभी देखा है? जानते हो उसे? नहीं सर, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, क्या था, क्या देखा तुमने? कुछ नहीं सर, कल रात यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और ये लड़का आया सर, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया सर। अच्छा, तुमने पूछा नहीं झगड़ा क्यों हो रहा है? नहीं सर, मुझे जल्दी घर जाना था सर। मुझे लगता है बॉस कोई प्यार व्यार का चक्कर होगा, उसी लड़की ने मार दिया इसे। हाँ सर, जरूर उसी लड़की ने इस लड़के को मारा होगा सर। अच्छा, उसे ने मारा होगा इसे? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने यहाँ से गाड़ी निकाली सर, तो उस वक्त लड़का नीचे निकल गया था और वो लड़की उसके पीछे जाके रो रही थी सर जी। तुमने पूछा क्यों नहीं कि क्या हुआ था? सर, एक बार ये आदमी निकल गया था यहाँ से, तो फिर उसे वापस आने की क्या जरूरत थी सर? सर, हो सकता है इस लड़के का खून कहीं और किया गया और फिर लाश को आके यहाँ पे डाल दिया। तो वो लड़की दिखती कैसे, याद है? सर, अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया सर, लेकिन वो लड़की के पास सर एक शोल्डर बैग था सर। सर, कहीं आप इस बैग की बात तो नहीं कर रहे सर? देखो सर, देखो क्या है अंदर। कहाँ पे मिली ये बैग तुम्हें? सर, यही नीचे सीढ़ियों पर मिला था ये। यहाँ पर सीढ़ियों पर? जी सर। सर, लगता है इस लड़की को अलग अलग जगहों के स्केचेस बनाने का बहुत शौक है। बीबी के मकबरे के भी स्केचेस बना रखे हैं इसने। स्केचेस? अरे, साड़ी का सेल्समैन। एक काम करो, उस पैठणी साड़ी के शोरूम में जाकर के पता लगाओ इस हरीश के बारे में। देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? और हम बीबी का मकबरा जाते हैं, पता लगाते हैं क्या किसी ने इस लड़की को देखा है क्या। बीवी के मकबरे तक तो आ ही गए, अब देखते हैं उस लड़की के बारे में हमें क्या पता चलता है। पूछताछ करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ना अंदर। आह, क्या खूबसूरत बीवी का मकबरा है सर, यहाँ औरंगाबाद में। ये सिर्फ औरंगाबाद में मशहूर नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। और पता है ये किसने बनाया? औरंगजेब बादशाह के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया ये। हाँ, यार एक बात है। हाँ, ये मकबरा तो एकदम ताजमहल जैसा लगता है। बिल्कुल, ताजमहल का ही रेप्लिका। हाँ एकदम। चलो सर। हाँ, हमें जो लड़की का बैग मिला है, हाँ, उसमें से यहाँ के कुछ स्केचेस मिले हैं सर। हो सकता है कि वो लड़की यहीं पे आके इस खूबसूरत मकबरे के स्केचेस बनाती होगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं यहाँ पूछताछ करके, किसी ने तो जरूर उसे देखा होगा सर। हाँ, यहाँ आसपास गाइड वगैरह घूमते रहते होंगे ना सर। हाँ, उनसे पूछेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं। आइए सर, इस खूबसूरत मकबरे के साथ आपकी तस्वीर निकालता हूँ, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो हम इतिहास के बारे में तो जान ही लेंगे,
लेकिन एक अर्जेंट बात जानना चाहते हैं। सर, गाइड की तरफ से और अर्जेंट बात क्या हो सकती है? विवेक, जरा इनको बैग का फोटो दिखाओ। इस फोटो को ध्यान से देखो, क्या इस बैग को तुमने किसी के साथ देखा है? हाँ, मैंने इस बैग को देखा है। कहाँ पर? एक लड़की के पास। लड़की का? हाँ। तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ, वो ये यहाँ पर आके बैठ जाती थी। यहाँ पे बैठ के क्या करती थी वो? यहाँ पे बैठ के वो इस खूबसूरत मकबरे की स्केचेस निकालती थी। हाँ, कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, कभी पीछे से, चारों एंगल से वो स्केचेस निकालती थी सर। और कभी कभी मैं भी उसके बाजू में जाके बैठ जाता था। क्या क्या बातें करती थी वो तुमसे? वो अक्सर दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी सर। यहाँ बैठकर वो दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी? हाँ सर, वो बहुत खूबसूरत किला है, अगर आप जाके देखेंगे ना तो आप भी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो यहाँ अकेली आती थी या उसके साथ कोई और भी आता था कभी कभी? उसको छोड़ने के लिए एक लड़का आता था। कौन था वो लड़का, तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता सर। अच्छा तुमने देखा अगर है उसे तो उसका हुलिया तो बता सकते हो, दिखता कैसा था? हाँ, गोरा गोरा था, कद 5.5 फुट होगा और माथे पे चोट का निशान था। एक बस, ये तो ठीक वैसा ही हुलिया बताना जैसा उस लाश का था जो हमें मिले। उसका भी रंग गोरा था, उसके भी माथे पर चोट का निशान था। बिल्कुल वैसा ही। लड़की कहाँ गायब हो गई? एक काम करते हैं, दौलताबाद के किले में चलते हैं, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। राजन, जो लाश के पास से हमें कार्ड मिला था उसमें एड्रेस तो यहीं का लिखा है ना? हाँ, हरीश यहीं पर काम करता है। भाई साहब, ये यहाँ पे मैनेजर कौन? मैनेजर आगे गए थे। सामने? अभी जो भी कस्टमर आएगा उसे ऊपर भेज दे, ऊपर भी काफी सारा माल रखा हुआ है। ठीक है। Excuse me? Yes, मैडम, आप ऊपर की तरफ चले जाइए, ऊपर भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी हुई। हम लोग यहाँ साड़ियाँ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ पूछने आए हैं। हम लोग CID से हैं। CID? तुम चले जाना। बोलिए मैडम, कुछ गलती हुई है क्या हमसे? आपसे कोई गलती नहीं हुई, हम हरीश के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। क्या किया उसने? हरीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हरीश की मौत हो गई है, उसका किसने खून कर दिया। खून? सर किसने किया उसका खून? वही पता लगाने हम यहाँ पर आए हैं। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, वो बस अपने काम से काम रखा करता था, फालतू बातों में तो उसका ध्यान ही नहीं था। मगर मगर क्या? कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहा करता था सर, कस्टमर कोई भी आता था उसे बहुत घूर घूर के देखा करता था। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? नहीं पूछा तो था, लेकिन वो हमेशा टाल दिया करता था, फोन पे लगा रहता था हमेशा। हमेशा फोन पे लगा रहता था? कभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ या कभी उसके फ्रेंड रवि के साथ। ये रवि कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है, कभी देखा नहीं। अच्छा ये रवि कहाँ रहता है कुछ मालूम है? नहीं, हमने घर तो कभी उसका देखा नहीं, लेकिन यहीं से करीब करीब 20 मिनट की दूरी पे उसका घर है। अच्छा हरीश का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? एक बात है, क्या कलाकारी है, कितना वक्त लगा होगा यार ये किला बनाने में। हाँ यार, कितने सालों लगे होंगे ना।
खूबसूरत किला बनाने में यार। विवेक, वॉचमैन से पूछो, उसने देखी है क्या उस लड़की को? यस सर। सुनिए, हम लोग सीआईडी से, आपने किसी लड़की को आते या जाते हुए देखा है जिसके पास ऐसा बैग हो? ध्यान से देखिए। सर, इस बैग वाली लड़की को मैंने देखा है। ये हमेशा यहाँ पर आकर मीनार वगैरह की ड्राइंग बनाती रहती थी। ये हमेशा भारत माता मंदिर में आकर बैठती थी। अब मगर मगर क्या मगर क्या कुछ कहना चाहते हो? सर जी, एक औरत और यहाँ पर आती जाती रहती। औरत? वो बता रही थी कि वो लड़की को थोड़ी परेशानी है। परेशानी? किस बात की परेशानी? सर वो मुझे नहीं मालूम, आपको वो औरत ही ठीक ठाक बता सकती है। कहाँ पर है वो? सर जी, वो भारत माता मंदिर में ही मिलेगी। कहाँ पर है ये भारत माता मंदिर? नजदीकी है सर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। चलो तुम भी चलो हमारे। सर, सर बापरे, इतनी दूर। मैं काम करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ, आसपास इंक्वायरी वगैरह करता रहूंगा, वो भी तो जरूरी है ना। हवा निकल गई है? नहीं, मैं फिट हूँ, चलिए। तो यही वो जगह है जो वॉचमैन नहीं होता है। चल देखते हैं। देखो देखो यहां अंदर देखो, औरत कहीं दिखती है क्या? बस वही है शायद। चलो पूछते हैं। सुनिए, देखिए हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। देखिए, हमें एक लड़की के बारे में जानना है जिसके पास ऐसा बैग है, वो यहाँ पे आके इस किले के स्केचेस बनाती है। जी मैं इस लड़की को जानती हूँ, फ्रिट्टा नाम है इसका। किले के हर जगह का स्केच बनाया है उसने, बहुत शौक है उसे स्केचिंग बनाने का। देखिए, वॉचमैन हमें बता रहा था कि वो लड़की किसी बात को लेकर परेशान थी, ऐसा आपने उसे बताया। जी, बहुत परेशान थी वो, पर क्या, किस चीज से परेशान थी वो? एक दिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा फ्रिट्टा यही बैठी हुई थी और वो केज बना रही थी। उसके बाद कब से आई हो? काफी देर हो गई। ड्राइंग बनाना हो गया या अभी कुछ बाकी है? थोड़ा सा बचा है, थोड़े से डिटेल्स पूरे कर लूं, फिर हो जाएगा। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रही हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा। नहीं, मैं वो आज वो लड़की हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। देखो अंदर ही होगी। हाँ, चलो अंदर ढूंढो उसे। देखो अंदर, चारों तरफ देखो। अरे बचनी नहीं चाहिए वो आज। ए तूने यहाँ पे लड़की को देखा किसी? नहीं, किसी लड़की को नहीं देखी। ए नाटक नहीं, जल्दी बोल, कोई लड़की देखी तेरे को यहाँ पे? मेरे सिवा यहाँ कोई लड़की है भी तो नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो बाद में पछताओगी। ए जल्दी बोल, चल। हाँ मैंने सच किसी। ए टाइम की वाट मत लगा, किधर है वो, बोल जल्दी। अरे मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा? ए रुक रुक, नहीं तो गोली मार दूंगा। मार दूंगा नहीं तो। रुक जा भाई। ए रुक, जल्दी चलो। वो लड़की है ना, वहाँ पर बैठ कर ड्राइंग निकालती थी वो, उसकी जान खतरे में। आप जल्दी चलो, वो लोग शायद उसे मार डालेंगे। वो मीनार की तरफ गए। कहाँ है वो लोग? पता नहीं, मीनार की तरफ गए। आप जल्दी चलो चलो। हाँ चलो।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। अभी 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 यहीं पे तो थी वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो रिटा को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत होगी वो। विक जरा वॉचमैन को लेकर आओ। यस सर। यहाँ पर आने का और जाने का एक ही तो रास्ता होगा, जरूर वॉचमैन ने उन तीनों को देखा होगा। बिल्कुल, मगर सर अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो तीन गुंडे रीटा के पीछे क्यों पड़े हुए थे। पता चलेगा भी कैसे फ्रेडी, वैसे तो तीनों के तीनों गायब है और उस लड़की के बारे में हमें कुछ आता पता भी नहीं। अगर उनके बारे में कोई देख लेता तो ही बता सकता था ना। सर एक बात है, गुंडों ने तो नहीं मारा उस लड़के को जिसके साथ ही लड़की थी जिसका खून हो गया। सर हाँ सर, उन गुंडों ने और लोगों को भी मारा है क्या? जी हाँ, बहुत खतरनाक लोग हैं। रीटा के बारे में सब कुछ जानते थे, वो कहाँ जाती है क्या करती है सब कुछ। अच्छा ये कब की बात है जब ये गुंडे रीटा का पीछा कर रहे थे? सर दो दिन पहले की। दो दिन पहले की? दो दिन पहले की इसका मतलब है उस लड़के के मरने से दो दिन पहले, और शायद इसीलिए वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे डर के मारे अंधेरे में। शायद उस दिन डर के मारे छुप गए होंगे और वहीं पर मार दिया उस लड़के को उन्होंने। क्या उन तीनों का हुलिया बता सकती हो? मेरा मतलब दिखते कैसे हैं, वो क्या कपड़े पहने हैं, ये सब कुछ। सर एकदम से तो नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वेरी गुड, तो चलो हमारे साथ चलो, लेकिन पहले हम वहां जाते हैं जहां पर रीटा छुप के बैठी थी। बताओ कहां पर देखा था तुमने रीटा को? यही मीनार तक देखा था, भागते हुए आई थी वो, उसके बाद पता नहीं। यहाँ? जी यहाँ। सलूंखे गाड़ दो अपनी आंखें, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। हाँ प्रेडी यस सर। चलो फैल जाओ। हाँ विवेक जरा नजदीक आओ। एक बात बताओ, रीटा के गायब होने से पहले या फिर उसके गायब होने के बाद तुमने उन तीन गुंडों को यहाँ पर देखा था? जी हाँ सर, मैंने गेट के बाहर तीन गुंडों को जाते हुए देखा था। बाहर जाते हुए देखा था? जी हाँ सर। और कुछ याद आता है तुमको उनके बारे में? सर वो बाहर जाते हुए बहुत गुस्से में थे। गुस्से में थे? शायद रीता नहीं मिली होगी इसीलिए गुस्से में होगी। हाँ हो सकता है। अच्छा ये बताओ वो लोग यहाँ पर आए कैसे थे, क्या उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी? नहीं सर जी, उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। ठीक है तुम यहीं पर रुको। विक बस एक मिनट। हाँ सलूंखे ये देखो यहाँ पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है। यार ये तो उड़ने का टुकड़ा लगता है। बिल्कुल ये किसी दुपट्टे का टुकड़ा है बस। इधर आइए, इधर देखिए इसे, पहचानती हैं? जी सर मैं इसे पहचानती हूँ, ये रीटा के दुपट्टे का ही टुकड़ा है। रीटा के दुपट्टे का? जी। तो इसका मतलब ये है बॉस कि रीटा यही इन पत्थरों पे बैठी होगी छुप करके, और उसका ये दुपट्टा यहाँ फंस गया और ये टुकड़ा फटके रह गया। हाँ फ्रेडी क्या है? चैन मिली है सर, शायद उन तीनों गुंडों में से किसी एक की होगी सर। हाँ
हाँ हो सकता है उन तीनों में से किसी एक की हो। हरीश की गर्लफ्रेंड तो अपना फोन स्विच ऑफ करके ना जाने कहाँ छुप कर बैठ गई है। रवि का पता चल गया। इस रवि से पूछते हैं, शायद इससे कुछ पता हो। ये रवि कहाँ मिलेगा? रवि से मिलना था मैं। जी वो वहां बैठा है। रवि, आप रवि है ना? जी हाँ, मैं ही रवि हूँ। आप लोग सीआईडी से हैं ना? हाँ, हमने तुम्हें फोन किया था। जी सर, क्या बात करने वाले थे आप लोग हरीश के बारे में? वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं है मुझे सर। मैंने उसका फोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगता ही नहीं है। उसका खून हो गया है। क्या, हरीश का खून? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? रवि, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। मगर किसने मारा उसे? ये तो पता नहीं लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी। इसका मतलब हरीश सच कह रहा था। क्या क्या कह रहा था हरीश? दो दिन पहले मुझसे मिलने आया था सर। कह रहा था एक कार चाहिए अर्जेंट, उसे औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी के अभी। औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी के अभी? वो शहर छोड़ के जाने की बात कर रहा था, तो तुमने उससे पूछा नहीं कि बात क्या है? हाँ सर पूछा, कह रहा था जिंदगी से तंग आ गया है। उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसका नंबर नहीं लग रहा। कौन, रीटा? वो तो नहीं मालूम साहब। हाँ कुछ चिड़ियों की आवाज के बारे में बताया था, जहाँ पे पहले वो रहते थे वहां पे पता कर लो। क्या आप कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? देखो जरा अच्छी तरह देखो। हाँ जानते हो इसे? जानते हो इन लोगों को? कौन है ये लोग? सर इन लोगों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद छोटे मोटे गुंडे हैं ये। नहीं नहीं कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है ये। दौलताबाद के किले में जो भारत माता मंदिर है वहाँ पर ये एक लड़की का पीछा कर रहे थे। अब पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ है, क्या उस लड़की को मार दिया इन लोगों ने या फिर और भी कुछ हुआ है। हमें वहाँ से ये चेन भी मिला है, तो गौर से देखिए, पहचानते हैं इसे? देखा है किसी के गले में? ये तो देखा है सर। किसका है फिर? बहुत पहुंच वाला खतरनाक आदमी है सर। हाँ एक बात बताओ, है कौन ये लोग? रहते कहाँ हैं ये लोग? सर इन लोगों का कोई पता ठिकाना तो होता नहीं है। हाँ एक बार मैंने इन लोगों को पकड़ा भी था, तभी पता चला था कि ये लोग इस तरह के पेंडेंट पहनते हैं। तो क्या छोड़ दिया उन्हें? हाँ सर, बहुत पहुंचे हुए और खतरनाक लोग हैं सर। देखिए कोई तो तरीका होगा ना इनके बारे में पता लगाने का। सर तुम्हारा कोई खबरी होगा? खबरी को पूछो, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। हाँ सर खबरी है, देखता हूँ उसे फोन करके। जल्दी फोन करो। हाँ सचिन बताओ। अच्छा पता चल गया कहाँ पर है वो लोग? ठीक है बताते रहना हमको। ओके हाँ। क्या हुआ सर? सचिन और काजल को पता चल गया रीता के बारे में। वो लोग दोनों भी शहर छोड़ना चाहते थे। अब शहर छोड़ने से पहले हरीश का खून हो गया और अब वो लोग रीता के पीछे पड़े हैं। हाँ कुछ पता चला सर? खबरी बता रहा है कि उन लोगों को गुलमंडी में देखा गया है। गुलमंडी में? हाँ सर, उन लोगों ने वहाँ पर एक दुकानदार से पैसे छीने और उसे डराया भी है। लेकिन वही लोग थे? हाँ सर वही हैं। तो फिर चलो गुलमंडी चलते हैं। एक काम करो, यहाँ आसपास इन दुकानों में जाकर के पूछो कि उन्होंने उन तीन गुंडों को देखा है क्या, और अगर देखा है तो पता लगाओ किस तरफ गए हैं वो। सर सब जगह पूछ लिया सर, कोई भी इन गुंडों को जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा किसी किस्म का डर तो नहीं है इन दुकानदारों? हाँ यार मगर डर किस चीज का? सर कोई झमेले में फंसना नहीं चाहता, और बेचारे इन दुकानदारों की तो दोनों तरफ से मुसीबत होती है। वो देखिए सर, वो आदमी सर जिन गुंडों को हम ढूंढ रहे हैं सर, वो नहीं में से एक है सर। विवेक फ्रेडी जल्दी जाके उठाओ उसे, लेकर आओ।
पहले सुनो भाई, हमें आपसे कुछ पूछना है। टाइम है क्या तुम्हारे पास? सफर से कोई मिला नहीं क्या पूछने के लिए? नहीं मिला, जो मैं पूछना है वो सिर्फ तुम्हें मालूम है। बकवास कर रहे हो क्या? लगता है दुनिया से परेशान है। हाँ भैया, हम तो परेशान हो गए, रीटा को ढूंढ कर ढूंढ कर सब थक गए। तुमको मालूम है रीटा कहाँ मिलेगी? कौन हो तुम? CID। ये वो आदमी। चलो बता बता, लड़की कहाँ है? साहब मुझे मालूम नहीं साहब। लड़की कहाँ है जल्दी बताओ। साहब मुझे तो ऑर्डर मिलता है, कौन देता है ऑर्डर तुम्हें? साहब वो मुझे मालूम नहीं, मेरे साथियों को मालूम है साहब। कौन है तुम्हारे साथी? साहब मुझे मालूम नहीं। अरे जल्दी जाके देखो, देखो कहाँ से गोली चली। भागे सर। सर ये तो मर गया सर। बता रहा था कि रीटा और हरीश यहाँ पे मिलते थे। अली वली सरोवर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते रहते हैं बाहर से। मैंने तो ये भी सुना है कि बाहर देशों से पक्षियों के जानकार भी यहाँ आते हैं। ये जगह रात को काफी सुनसान हो जाती है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे छुपने में आसानी होती होगी। वो देखो वो सामने जो टावर है ना, यहाँ छुपने में आसानी भी होती होगी और यहाँ से सब कुछ दिखाई देता होगा कि कौन यहां से आ रहा है और कौन यहां से जा रहा है। चलो बताना, नहीं तो मैं मार डालूंगी। तुम रीटा हो ना? हाँ, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे भी मार डालोगे जैसे हरीश को मारा था। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग CID से हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम लोग सच में CID से हो? हाँ, देखो तुम्हें तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ला ला ये मुझे दे दो। तू दे दो, दे दो रीटा। देखिए प्लीज आप रोइए मत और साफ साफ सब कुछ बताइए। ये जो तीन गुंडे थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे, और ये भी बताइए कि हरीश का खून क्यों किया उन्होंने? मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है, बस पता नहीं अचानक से मेरा पीछा करने लग गए। क्या बात के पीछा करना शुरू कर दिया? कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। याद करके बताइए क्या हुआ था। भारत माता मंदिर, औरंगाबाद रोड, सब 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 जगह मेरे पीछे है वो लोग। तुमने तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे? हरीश ने जानने की कोशिश की थी, जिस दिन हम लोग मिले थे उस रात हरीश गुस्से से चला गया तो मैंने उसका पीछा किया तो वो लोग भी हमारे पीछे आ गए। हरीश ने उन लोगों को बोला भी कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने हरीश को मार डाला। मेरे हरीश को मार डाला उन लोगों ने। मैं तो वहाँ से भाग निकली इसलिए बच गई, नहीं तो वो लोग मुझे भी मार डालते। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है कि उन्होंने आपका पीछा करना कहाँ से शुरू किया था? मैं घर में गई थी उसका स्केच बनाने, बस तभी से उसके अगले दिन से उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो ये घर कहाँ है ये बता सकती हैं आप? रीटा ने ये जगह बताई थी ना?
अभी तक कोई नहीं, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। यहाँ की लाइट्स तो जली हुई है और कमरे में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम करते हैं, तलाशी लेते हैं। से यहाँ पे गोली मारी है सामने। क्या कि कौन है, किसने से मारा, क्यों? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, किसे मारा, किसने। एक काम करता हूँ, एसीबी सर को फोन करता हूँ। सर यहाँ बंगले में एक आदमी की लाश मिली है सर। सर जिस आदमी की लाश मिली है ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है औरंगाबाद का। इसका नाम सोहन कुमार है सर। हाँ पिछले कुछ दिनों से गायब था ये। गायब था? जी सर। तो कहीं से किडनैप तो नहीं किया था? हाँ सर, लेकिन किसी भी तरह की कोई धमकी वगैरह नहीं मिली थी। पुलिस भी इधर उधर भाग रही थी इसे ढूंढने के लिए। सर इसका किडनैप किसी मकसद की वजह से किया होगा और मकसद पूरा ना होने पर इसका खून कर दिया। मान लिया सचिन, लेकिन किसी को तो पता चलता कि यहाँ पर एक लाश लाकर रखी गई है। सर दरअसल इस घर का मालिक यहाँ पर नहीं रहता, उसने कहीं और घर बना लिया है। ओह अच्छा। अगर सर सोहन कुमार की मौत का और रीटा का क्या संबंध हो सकता है? सर ये रीटा बता रही थी कि वो यहाँ पे स्केच बनाने आई थी, हो सकता है उसने खून होते हुए देख लिया हो और इस वजह से गुंडे उसके पीछे पड़ गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो लड़की ने बताया क्यों नहीं किसी को? किसी को तो बताती वो। सर ऐसा भी हो सकता है कि रीटा ने कुछ देखा ही नहीं हो और उन गुंडों को लगा होगा कि उसने उन्हें खून करते हुए देख लिया और वो उसके पीछे पड़े। तो वो लोग जो कोई भी है बहुत ही चालाक है सर। और सर गुलमंडी में हमने जैसे उनके साथी को पकड़ा उन्होंने उसे भी मार दिया। वही तो, लेकिन है कौन ये लोग? बॉस इस आदमी का खून यहाँ नहीं हुआ। क्या यहाँ पर नहीं हुआ? नहीं। तो फिर इसका खून कहीं और हुआ है और इसकी लाश को यहाँ ला करके पटक दिया गया। मारा कहीं और है? यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मारा कहीं और है और लाश को यहाँ ला करके छुपा दिया है तो फिर जरूर किसी ना किसी को तो पता चलना ही चाहिए, किसी ने तो देखा ही होगा। एक बात और, इस आदमी को मरे हुए 18 घंटे हो गए। 18 घंटे? 18? हाँ। एक चीज और दिखा दे, ऊपर आओ जरा प्लीज। ठीक है। ये देखो बॉस, ये देखो मुझे इसकी पीठ पर ये लाल रंग की सूखी हुई पपड़ी मिली है, जंग खाई हुई पपड़ी मिली है। ये ऑयल और ये घरों में इस्तेमाल नहीं होता है, अक्सर बस वगैरह में इस्तेमाल होता है। ऑयल पेंट की जंग खाई हुई सूखी पपड़ी लाल रंग की, जो बसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। वे देखो जरा अलमारी के अंदर इसके शरीर पर और कुछ मिलता है क्या? यस सर। देखो जरा, शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन सोहन कुमार किडनैप होता है, फिर उसकी लाश मिलती है यहाँ इस घर में इस अलमारी में। इसका खून होता है 18 घंटे पहले कहीं और,
मगर लाश मिलती है यहाँ पर, क्या चक्कर है? और तो और, ये रीटा जिसे स्केच बनाने का शौक है, उसका सोहन कुमार के खून से कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है, समझे? चक्कर जरूर है सर। लाश के जूते के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला है सर। तो कोई बस का टिकट है? पुरानी बस का टिकट? हाँ सर, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर पुरानी बसें पड़ी रहती हैं। म्युनिसिपल डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर पुरानी बसें पड़ी रहती हैं। बस का टिकट लाल ऑयल पेंट की जंग खाई हुई पकड़ी है। म्युनिसिपल डंपिंग ग्राउंड। तो बस स्टैंड तो आ गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि सर वो है कहाँ और कितने लोग? मैं हर एक पे नजर रखो, जरा भी गड़बड़ लगी तो एक दूसरे को बताते रहना। हाँ चल जाओ। क्यों नहीं वो? बस बहुत हो गया, अगर वो नहीं आया तो। अरे आ जाएगा, थोड़ी देर और देख लेते हैं, आ जाएगा। क्या आएगा? कब आएगा? जब सीआईडी हमको दबोच लेगी तब आएगा क्या? सीआईडी यहाँ आ ही नहीं सकती। क्या? सीआईडी यहाँ आ नहीं सकती? क्योंकि जिसकी वजह से अपन पकड़े जाने वाले थे उसी को अपन ने मार दिया है। सीआईडी यहाँ तक कैसे पहुंचेगी यार? पता नहीं किसने उन्हें औरंगाबाद में बुला लिया। हाँ यार सही बोल रहा है तू। अरे कहाँ हो तुम लोग? चल आ गया वो, चल आ गया मैं। अरे क्या साहब, कितना टाइम लगाया आप लोगों ने? हाँ जल्दी से पैसा निकालो, और वो भी तीन खून का पैसा चाहिए। तीन खून का पैसा? एक तो सीआईडी यहाँ पहुँच चुकी है और सीआईडी के हाथ लग गए ना हम लोग, तो अगला पिछला हिसाब बराबर, कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। जल्दी पैसा निकालो। ये आदमी तो बड़ा बिजनेसमैन है सर। तुम्हारे आदमी को मारा? जो मरा था उसका दुश्मन है।
किसी ने सुपारी दी होगी उसे मरवाने की। लड़की को नहीं मार सके, लड़की को नहीं मार सके क्योंकि सीआईडी की आग फैली हुई है। पता नहीं किसने बुलाया मुंबई से औरंगाबाद। उसी ने बुला लिया जो सीआईडी का चाहने वाला है। गोली मत चलाना, दूर रहना, दूर रहना, गोली चला दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। समझ में आया कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है? छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। ये किसने किया? तुमने नहीं किया? नहीं किया मुझे। किया नहीं होगा लेकिन करवाया तो है ना? क्यों बताओ, क्यों कर रहे थे तुम ये सब? क्या मकसद है तुम्हारा? तो मुझे एक एक को देख लूंगा मैं। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, कौन हूं मैं? बाद में क्यों, अभी देख ले। मैं मार्केट पे राज करना चाह रहा था सर, इसलिए मैंने मेरे रास्ते का कांटा हटा दिया। काकी मार्केट में मेरा ही डंका बजे। अच्छा, और वो लड़की, उसका पीछा क्यों कर रहे थे तुम लोग? साहब, साहब गलती हो गई साहब। साहब उस बिजनेसमैन को मारने के बाद उसकी लाश को वहां छुपा रहे थे। उस वक्त वो लड़की वहीं पे थी जो स्केच बना रही थी वहां। हाँ साहब, हमें लगा सर हमको उस लड़की ने मारते वक्त देख लिया इसलिए उसका पीछा कर रहे थे। दो दो खून किए तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए। गलती हो गई साहब। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने लगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।